टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के सायन अस्पताल के पास एक कार में आज अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि कार रोड के किनारे पार्क की गई थी और अचानक इस कार में आग लग गई। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से रोड के किनारे खड़ी ये कार जल रही है। सूचना मिलने पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गए और कार में लगी आग को बुझाया गया। अभी तक इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। वहीं दूसरी खबर मुंब्रा से है, जहां मुंब्रा मार्केट में टीएमसी स्कूल में मनपा द्वारा एंटीजन कोरोना टेस्ट किया गया। करीब 150 लोगों ने अपना कोरोना टेस्ट करवाया। इस कैंप के जरिए एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव भी पाया गया है और मनपा के कर्मचारी जितेंद्र साबले, बालू पीचड़ और डॉक्टरों ने बताया कि मुंब्रा में हालात अब काफ़ी ठीक है, मगर एहतियात के तौर पर एंटीजन कोरोना टेस्ट शहर में जारी रहेगा। और अभी तक हमने 150 का टेस्ट किया है और अभी 60-70 लोग और है टेस्ट करने के लिए, जिसमें 150 में से एक पॉजिटिव मिला है हमको। तो क्या आगे और भी इस तरह के कैंप जो है शहर में और लगाए जाएंगे? अपने पेशर साहब के मार्गदर्शन में मंडे को गुला पार्क में कैंप लगाया जाएगा, वहाँ भी ये एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। रोज चालू है? रोज कंटिन्यू चालू है। कौसा हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे रोज का रोज एंटीजन टेस्ट का कैंप चालू है। ऐसा रोज का हर एक एरिया में अलग अलग एरिया में कैंप करते हो? मनपा के द्वारा लगाया है। हाँ, खाने में तो स्कूलों में ही लगेगा या और भी अलग? नहीं नहीं, और भी जगह जो प्राइवेट जगह है वहाँ पे, जहाँ पे अपने को जगह मिल उपलब्ध होगी वहाँ पे अपन लगा सकते हैं। आप लोग लगातार शहर में जो है जांच कर रहे हैं कोरोना के, तो किस तरह का है माहौल? क्या मुंब्रा में कोरोना जो है कम हो रहा है, कम हो रहा है? नहीं, फिलहाल अभी कौसा मुंब्रा में कंट्रोल में ही है, रोज के 5-6 पेशेंट आ रहे हैं। मतलब हालत के स्थिति में।